जय हो श्री कृष्ण भगवान। नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी। भगवद गीता जी का पाठ आपको सुनाते हैं, 14वें अध्याय का शेष भाग। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण में और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। जय हो श्री कृष्ण भगवान। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य और कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निंद्रा आदि अंतःकरण की मोहनी वृत्तियां, ये सभी उत्पन्न होते हैं। जब यह मनुष्य, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है, राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ और तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों में जाते हैं, रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। यह पुरुष शरीर को की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। जय हो श्री कृष्ण। अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है? हे कृष्ण जी, बोलो किस प्रकार के आचरणों वाला होता है तथा हे प्रभो, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत हो जाता है? श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी ना तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और ना निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा ही करता है, जो साक्षी की दृष्टि स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो निरंतर आत्मभाव में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, अज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला तथा अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है, जो मान और अपमान में सम है, मित्र और बैरी के पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांग कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का
और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूँ। जय हो श्री कृष्ण। गली में बच्चे शोर बहुत कर रहे हैं, हमारा घर बिल्कुल गली के सिरे पर है, इसलिए आपसे माफ़ी चाहती हूँ। अब भगवद गीता जी का 15वां अध्याय मैं आपको कल सुनाऊंगी। नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आपके घर में कोई भी परेशानी हो, खाना बनाते समय रसोई में भगवत गीता की जी का पाठ चला कर रखिए, और आप 10 दिन तो करके देखिए, आपको पता चलेगा कि घर में कितनी शांति आएगी। और आप भोजन बनाते समय, खाते समय, अगर कहीं ऑफिस में जा रहे हैं उस समय भी आप भगवत गीता जी का पाठ चला कर रखिए। जय हो श्री कृष्ण।